और देखिए ये जो ब्लॉगिंग करने मना कर रहा है क्योंकि नहाया नहीं है, लेकिन तब पर ही मंदिर आ गया है। ठीक है, आज हम सावन का आज कौन दिन है मम्मी? बृहस्पत ना, आज का बृहस्पत बार है सावन में। सावन का पहला बृहस्पत बार जो है हम लोग पूजा करने आए हैं। हमारे छोटे से मंदिर है वही, और यहाँ पर देखिए मम्मी पूजा कर रही है। इसको देखिए, ये पंडित जी बन गया है, बिना नहाए पंडित जी। छोटा सा मंदिर है हम लोग का, यहाँ पर एरिया का ही मंदिर है छोटा सा, जिसमें कि शिव भगवान का यहाँ बाहर में भी एक छोटा सा मंदिर का प्रतिमा स्थापित है। मछली है देखिए, यहाँ मछली है, यहाँ बेल है, कुआं जो है वो है, और कुआं के बगल सामने देखिए कितना सुंदर दृश्य, भगवान का तस्वीर पेंटिंग किया गया है, बनाया गया है अपने हाथों के द्वारा, वाह। और कभी कभी यहाँ पे भगवान नाग भी विराजित रहते हैं कोने वोने में, अभी तो नहीं है क्योंकि बारिश का समय है। और यहाँ देखिए महाभारत में भीष्म और यहाँ श्री कृष्ण, जो भीष्म जी को गुस्सा, श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ गया था भीष्म जी पर, तब वहीं का सीन है। और देखिए कृष्ण जी का पैर जो है अर्जुन जी पकड़े हुए हैं अपने हाथों से, कि भगवान ये आप पाप मत कर दीजिए अपने हाथों से, ऐसा कि इसलिए। अब ये देखिए ओम नमः शिवाय, देखिए पानी हाथ में, पहले पानी लेके उसको शिव जी को अभिषेक कीजिए पानी के द्वारा। उसके बाद अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छी तरीका से थोड़ा पानी से अभिषेक कर हाँ धोकर महादेव को नहा लिया है। ठीक है, नहाया है कोई नहीं नहाया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मन से शुद्ध हो ना। कैमरा में एकदम धुंधला धुंधला का आ रहा है। अरे वो स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए एक काम करना, वो वहां से हटा दो जो कैमरा है ना, वहां से हटा दो, अच्छा आएगा। ना नया लेंगे ना, दूसरा स्किन प्रोटेक्टर खरीदेंगे तब तो। मेरा कैमरा के आगे वाला जो स्किन प्रोटेक्टर है टूट चुका है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला आ रहा है। कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद रहा तो स्किन प्रोटेक्टर क्या आईफोन तक खरीद लेंगे, महादेव का आशीर्वाद रहा तो। मेरा कैमरा लेके आना चाहिए था, हमारा कैमरा फालतू। तो यहाँ पर सावन का पहला सोमवार आने वाला है, आज बृहस्पतिवार है, और अगला सोमवार को आप फिर हम जाएंगे कोई मंदिर, तो आपको वहाँ का वीडियो जरूर दिखाएंगे। ज़्यादातर जाने का मेरा मकसद है भूतनाथ ही, भूतनाथ जाने पे वहाँ का वीडियो आपको हम पूरा ए टू जेड, बाइक से कैसे जाना है, क्या करना है वहाँ, किस तरह का पूजा कैसे वहाँ होता है विधि पूर्वक दिखा देना है। विधि पूर्वक तो अभी नहीं हो पाएगा, मात्र सिर्फ जल वहाँ पे हम लोग भगवान शिव को अभिषेक कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत रहता है सावन में हर एक सोमवार, और अथवा सोमवार को छोड़कर भी हर एक दिन, हर एक साल भर वहाँ भीड़ रहता है। कुछ ही दिन ऐसा पाया जाता है कि थोड़ा कम भीड़ रहेगा, लेकिन महादेव की इतनी मतलब उनके भक्त की आबादी है कि पूरे सालों भर उनको लोग पूजते हैं, मानते हैं, और लोग अपने दिल से उनको प्यार करते हैं। और ऐसे ही भगवान शिव भी उस सभी पे अपने कृपादम एक समान बनाए रखते हैं। यहाँ से घर जाएंगे तब ब्लॉगिंग में दिखाएंगे कि मंदिर में पूजा कैसे हुआ और किस प्रकार पूजा का विधि है, थोड़ा वो भी बता देंगे आपको। पूजा ख़त्म, हम लोग अब निकलने जा रहे हैं सब, मम्मी आगे देखिए, अब डायरेक्ट जाके आपको घर पर बात करते हैं, डायरेक्ट आपको घर पर जाके आप बात करते हैं, बात करते हैं, पानी पड़ रहा है इसलिए। हाँ मेरे पास नहीं है, कौन वाला फोटो? ठीक है ले देंगे फोटो, फोटो नहीं वीडियो भी सब डिलीट हो गया। ठीक है ठीक है, इसका ये रंग अच्छा लग रहा है आपको क्या? देखिए मेरा वाला कपड़ा का ये बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तुम्हारा कौन सा रंग है मैडम? दोनों ही, भगवा कलर भी है और ऐसे भी है। सही बात है। अब यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं, भगवान शिव जी का मंदिर हमारे घर का, देखिए तुम दिखा भगवान शिव को। देखिए मैं बहुत सावन में मेरा पहला बृहस्पत बार का पूजा था ये, आने वाला सोमवार को जाएंगे भूतनाथ, वीडियो बना के जरूर देंगे, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।